रेस्ट इन पीस मम्मी लॉन्ग लेग्स। वो वहाँ है, उसे पकड़ो। मैं कहीं नहीं भाग रही, तुम जेल से नहीं बच सकती। जेल क्यों? मैं सच में मदद कर रही थी। तुम्हें अब अपना मुंह बंद रखना होगा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या तुम सीरियस नहीं हो? है ना? मुझे बाहर जाने दो। सुनो, इस महीने मैं छुट्टियों पर हूँ और मैं पूरा हफ्ता बाहर रहूँगी, तो तुम यहाँ के इंचार्ज हो। मैम, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और ये मेरे आराम करने का समय है, फिर मिलेंगे। आपको मुझ पर गर्व होगा। मुझे उम्मीद है कि थिंग ने अब तक मेरे वकील को बुला लिया होगा। और तुम कौन हो? नया ब्लड? मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। सिमेट्री, ब्लड और गन पाउडर। मैं वैम्पी हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं वेंसडे हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखो। क्या ये तुमने खुद बनाया है? ये एक प्लान की तरह लगता है, पर मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? ओह, वैम्पायर यहाँ खास है। मिस्टर गार्ड, इधर आओ। सर, तुम्हें इस जेल के रूल्स पता है ना? वैम्पायर यहाँ के लिए नहीं है। सच में? खैर, मैं रूल्स तोड़ने वाला कौन होता हूँ? तुम जा सकती हो। मैम, शुक्रिया। वेंसडे, सोचो। शुक्रिया, वैम्पी। तो ये मेरा भागने का प्लान है। चलो पहले स्टेप से शुरू करते हैं। परफेक्ट स्किन। मुझे नहीं लगता ये मुश्किल होगा। ओह नहीं, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कैंडी खा ली। बस घबराओ मत। थिंग, मैं आ रहा हूँ। देखो मेरे पास क्या है, इससे मदद मिलेगी। इन्हें ठीक करो। बिल्कुल। वाओ, इन्हें कितना वक्त हो गया। स्माइल वेंसडे। हे, वो क्या करने वाली है? एक घुसपैठिया। मेरे पीछे आओ। क्या थिंग, तुम कहाँ गए? क्या वो उसे ले गया? मैं डैडी हूँ, इसका मतलब मैं ही कानून हूँ। बहुत बुरा हुआ। ठीक है, किस्मत आजमाने का वक्त नहीं है। काम शुरू करते हैं। मसाज और क्लीनिंग मोड। इस गैजेट के साथ मेरी वैम्पायर से भी अच्छी स्किन हो जाएगी। चलो अब इसे धो दे। तो क्या ये काम कर गया? परफेक्ट। थिंग कैसा है? वो क्या करने वाला है? कानून कौन है? रुको, क्या तुम पास आ सकते हो? मुझे लगता है कि तुम दोस्त बन जाओगे। तुम अच्छी लग रही हो वेंसडे। क्या तुमने मुझ पर हाथ उठाया? ये सब वेंसडे की ट्रिक्स है। तुम बुरा करोगी तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। मुझे यकीन है जब मुझे एक्स मिल जाएगी तब तुम बदल जाओगे। तो तुम लंबर जैक हो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या शांत करेगा। 100, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे जगा देना। मैं तुम्हारे लिए ये प्लायर लाया हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। ओह बिल्कुल, मुझे यही चाहिए था। तो क्या वेंसडे टॉर्चर के लिए तैयार हो? अगर तुम घबरा गई हो तो मत देखो। हाँ, वो क्या करने वाला है? प्लीज मत करो। क्या वेंसडे, अब हंसी नहीं आ रही? ऐसे मुझसे दूर करो। तुम क्यों भाग रही हो? तुम सारा मजा मिस कर रही हो। पकड़ लिया, अब हंसने की बारी मेरी है। ये बहुत ब्राइट है। क्यों? डैडी को अपने दिमाग में रखने के लिए। मुझे इसे अभी हटाना होगा। ठीक है, मैं अभी इसे कवर करूंगी। मुझे बाहर निकलना होगा। अगला प्लान क्या है? मुझे लगता है अब मैं मेकअप करना शुरू कर सकती हूँ। क्या वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ वेंसडे। ये मेरे ग्रेजुएशन का बस एक पोस्टर है, कुछ दिलचस्प नहीं है। मुझे इसे छिपाना होगा। तो फिर मेरा ध्यान मत भटकाओ। बढ़िया, वो नहीं देख रहा है। ये क्या है? मुझे लगता है मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये बहुत बेकार है। मैं अपना चेहरा दोबारा गंदा नहीं करना चाहती। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ये गैजेट ब्रश से निपटेगा। ये इतना आसान कभी नहीं था। वाओ, एकदम नए की तरह। शानदार। मुझे देखना है कि कितने वैम्पायर अपना मेकअप बिना रिफ्लेक्शन के करते हैं। मुझे लगता है मेरा बढ़िया होगा। अब हमें फैंग्स चाहिए। खैर, मुझे वो कहाँ मिलेंगे? ओह, मुझे पता है कि क्या मदद कर सकता है। सिर्फ प्रिजनर्स को ही वर्कआउट नहीं करना पड़ता। ओह, बहुत तेज दांत में दर्द हो रहा है। 2003, क्या मैं इसकी बातों में दोबारा नहीं फंसूंगा? कोशिश भी मत करना, जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, प्लान बी। मुझे इसकी ही जरूरत है। मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। ओह, मेरा दांत। क्या बहुत बुरा हुआ। क्या मैं डॉक्टर से मिल सकती हूँ? और कुछ मत कहो। हेलो, ठीक है, चिंता मत करो। हेलो, हमें डॉक्टर की जरूरत है। क्या तुमने मुझे बुलाया? प्लीज मदद करो, वेंसडे के दांत टूट रहे हैं। अंदर आओ।
शुक्रिया, ठीक है मुझे बताओ क्या परेशानी है, चलो देखते हैं। वो चला गया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? बात बन जाएगी। तो तुम्हें फैंस चाहिए? हाँ, अच्छी चॉइस है मैम, मैंने पहले कभी सर्जरी नहीं देखी। अपना मुंह खोलो। मॉरी, मैं नहीं देख सकता। हो गया, तुम कैसी हो? बहुत बढ़िया, काम पूरा हो गया, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। बहुत बढ़िया। ओह, अब मैं क्या करूं? लगता है वक्त आ गया है, मुझे रेड आईज चाहिए। शायद मुझे ब्लिंक करना बंद कर देना चाहिए। और क्या? हाँ, लगता है जो मुझे चाहिए वो अंदर है। अपनी आंखें बाहर कौन निकलवाना चाहता है? ये तो बुरा है। हाँ, अब मेरे पास प्लान बी है, इसे काटने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले कभी कार्डबोर्ड लेंसेज नहीं बनाए, पर इसे ट्राई करना तो बनता है। ध्यान से। अब दुनिया कलरफुल लग रही है। बढ़िया। रुको, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। जाओ, तुमसे कोई मिलने आया है। हैं, तुम कैसे हो? मेरे साथ सब बुरा ही क्यों होता है? मुझे बहुत कुछ करना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। पर कैसे? मैं यहाँ अपना हेयर स्टाइल कैसे बनाऊँ? क्या लगता है तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है? रुको, ट्रूम ट्रिक। अब वेंसडे के पास जाओ। आउच, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, ठीक है, बैठ जाओ, ये जगह अब किसी और की है। अब तुम क्या करोगे? हेयर पिंच मत करो, तुम्हारा भी जेल में जाने का वक्त आ गया है। चलो, मेरा प्लान फेल हो गया। बेचारा थिंग, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं मदद करूँगा। ये किसने कहा? ये मैं हूँ, बैंजिया। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अब मैं कर सकती हूँ। आजादी के लिए इन पिगटेल्स को अलविदा कहने के लिए तैयार हूँ। ट्रूम ट्रिक, ये भी अच्छे लग रहे हैं। याद नहीं मैंने आखिरी बार ऐसा कब किया था। क्या मैं सच में वैम्पायर लग रही हूँ? और शायद ब्लडी ब्रेड्स बेहतर है। मेरी ड्रेस इस लुक के साथ अच्छी नहीं लग रही। नहीं, ये सही नहीं है। शायद उस बॉक्स में मेरे लिए कुछ है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ वेंसडे। शायद मेरे पास एक आइडिया है। मुझे डैडी का ध्यान भटकाना होगा। मुझे यकीन है वो जाल में फंस जाएंगे। यहाँ से मोड़ते हैं और पेंट करते हैं। वीआर मास्क बस तैयार है। बढ़िया, मैं खुद भी इसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मिस्टर गार्ड, क्या आप यहाँ आ सकते हो? क्या हुआ? देखो, वो यहाँ से बाहर आते रहते हैं। सच में टॉयलेट से बाहर? हाँ, पकड़ लिया। अरे, ये कौन सी जगह है? ठीक है, मुझसे दूर हो जाओ। हाँ, अब मुझे उस बॉक्स तक जाना है। मैं नहीं पहुँच पा रही, मुझे टेलीकिनेसिस कब से हो गई? शायद ये कोई वैम्पायर पावर है। मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। शुक्रिया बैट, मदद करके खुशी हुई। अब मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। चलो देखें अंदर क्या है। बढ़िया, वाह, ओह मुझे मत देखो, ये शानदार है। ओह, मैं उसके बारे में तो भूल ही गई थी। मुझसे उलझना मत, मुझे कराटे आते हैं। मेरे भागने में अभी भी कुछ कमी है। बाइट मार्क, इन्हें कौन बनाएगा? बैट, बिल्कुल, मुझे लगता है उसे पसंद आएगा। लगता है कुछ बूंदों से बात बन जाएगी। हे, तुम्हारे लिए ट्रीट है, मुझे नहीं चाहिए। ये काम नहीं करेगा, मुझे यकीन है कि वो डैडी को काटने से मना नहीं करेगी। इसे यहाँ रख देती हूँ। ओह, बहुत हुआ, बस करो, ये बस एक फोटो है। बैट, पर अब मेरे पास एक बाइट है। मैं बहुत समझदार हूँ, क्या तुम्हारा काम हो गया? बैट, ये हमारा आपसी मामला है, तुम्हें कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। डेंटिस्ट भी चला गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बस एक केप बनाना है, ये बहुत आसान है। मैं इसमें विक्टिम जैसी लग रही हूँ, मुझे कुछ बेहतर चाहिए। मिल गया, ये असली केप है। और डैडी बिल्कुल वक्त पर ही सोए है। खैर डैडी, ये फ्रेश होने का वक्त है। बर, बहुत ठंड है, मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए। ओह, अब ठीक है। बढ़िया, अब मैं उस तक कैसे पहुंचूं? चलो भी।
ठीक है, दूसरा तरीका आजमाते हैं। मैं गर्मी बढ़ा देती हूँ, बहुत गर्मी है। बढ़िया, काम कर गया। बढ़िया, मैंने इसे पहले क्यों नहीं पहना? अब मैं एक असली वैम्पायर हूँ। रुको, लगता है मैं इस लुक के मिसिंग पार्ट्स इंटरनेट पर पढ़ सकती हूँ। हाँ, मैं ड्रोन ट्रिक डिलीवरी से सब कुछ ऑर्डर करूँगी। सबसे प्यारी और खूबसूरत मिस वेंसडे एडम्स के लिए डिलीवरी। वाह, कितना हैंडसम है। केज की एंजल के लिए डिलीवरी। क्या ये तुम हो? हाँ, ये मेरा निकनेम है। शुक्रिया। परफेक्ट, फिर मिलते हैं। ये इसके लिए सही समय नहीं है। वेंसडे, पहले आजादी वापस लो, फिर लड़कों के बारे में सोचना। मुझे बस एक वैम्पायर ज्वेलरी बनानी है। बैट से सब कुछ अच्छा लगेगा। ब्लड के कुछ और जार्स। मैं उन्हें खाली नहीं छोड़ सकती। मैं इसमें क्या लगाऊं? मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ब्राउजर हिस्ट्री में जाना होगा। हाँ, ये रहा। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? ओह, तुम फिर से? क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो? बस एक बाइट। हे, मैं डोनर नहीं हूँ। रुको। शुक्रिया, बस। ये क्या था? क्या मैं एक वैम्पायर हूँ? शायद। मुझे सिर्फ ज्वेलरी के लिए खून चाहिए और इसे पहुँचाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरी जेल में घुसपैठ गया? यहाँ से चले जाओ। शुक्रिया। हे डैडी, उसे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मत भूलना और यहाँ वापस मत आना। अब मैं एकदम अलग इंसान बन गई हूँ। और मैं तो एक इंसान भी नहीं हूँ, एक वैम्पायर हूँ। डैडी, यहाँ आओ। क्या हुआ? आपको रूल्स याद है ना? मैं अब एक असली वैम्पायर हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, मैं खून पीती हूँ, आप खुद देख लो। खैर, ठीक है, तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुम्हारा दिन अच्छा हो। ये वैम्पायर भी ना, कोई भी दीवार मुझे रोक नहीं सकती। और मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ। हाँ, क्रिमिनल जेल में क्यों नहीं है? ये बहुत बुरा है। जेल में वापस? क्या कोई और रास्ता है? लेकिन तुम सही हो, बुरे लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए। बाय। जेल में अच्छा समय बिताना। और मैं सेमेट्री जा रही हूँ। एक टाइटल मिलना आसान नहीं है। जब बच्चा हो जाता है तो उसे बेली के अंदर नहीं, उसके ऊपर लेकर घूमना पड़ता है। इसलिए मैंने ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बनाया है। समझ गए? ठीक है बारबी, ये देखो। वैम्पी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। हाय। हाँ, क्या तुम्हें याद है कि आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है? बिल्कुल, ग्रैंडपा भी यहाँ है। अब तुम एक दूसरे को जान सकते हो। क्या? ग्रैंडपा? ऐसा सोचो तुमने इन्हें नहीं देखा। तुम्हें पता है वो लोगों के साथ क्या करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वापस जाओ, तुम बिना फैंस के भी अच्छे दिखते हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हें आम इंसान कहूँगी। लेकिन तुम यहाँ आए इसलिए शायद मॉडल बेहतर रहेगा। बाथरूम कहाँ है? ये भयानक है। वाह, ऐसा लगता है कि इसमें कोई है। लॉर्ड वैम्पायर, माफ करना, यहाँ क्या चल रहा है? मैं जाकर पूछता हूँ। ओह, तुम कुक कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता। मैं टोमेटो काट सकता हूँ। ये नाइफ तेज क्यों नहीं है? ये क्या है? तुम्हारा खून? मेरे बॉयफ्रेंड को छूने की कोशिश मत करना। गैब्रियल, तुम ठीक तो हो ना? टेस्टी, मत करो। ओह, शुक्रिया जानेमन। चलो चलते हैं। ओह, ये लड़का, उसने मुझे खून नहीं दिया, अब क्या करूं? शुक्रिया मेरी जान, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी बेटी को किस करने की? नहीं, यहीं रुको। बनाना में कई विटामिन होते हैं और ये खून के लिए अच्छा होता है। फोम के दो बोल्स। क्या कोई आज शेव करेगा? तुम और मैं एक पुशअप मुकाबला करेंगे। मैं तैयार हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का? तो चलिए शुरू करते हैं। इसे जमीन पर रखें। ओह, तुम पछताओगे कि तुमने मुझे चैलेंज किया, लेकिन तुमने ही तो शुरू किया था। चुप रहो, चलो भी। एक, दो, तीन, चार, चलो भी जानेमन, चलो भी मास्टर।
वह दर्द हो रहा है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ वार्म अप था एक हाथ से। और अब हाथों के बिना तुम्हारा क्या ख्याल है लड़के? मैं इसे पूरे दिन तक कर सकता हूँ। बस मैं हार मान लेता हूँ। जानी मन, दुखी मत होना, तुमने अच्छा किया। बस मेरे डार्क की तरह 101, 102, 103। वो पुशअप के लिए बहुत सीरियस है। सर यहाँ कुछ लगा है। कहाँ? यहाँ या दूसरी तरफ? एक सेकेंड, मैं आपकी मदद करूँगा। देखो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओह, दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने कमजोर होगे। डिनर खत्म हो गया है। समझ गया, हम ड्रिंक लेते हैं। ऐसे बबल्स नहीं निकलेंगे। ओह, क्या दिन है। वाह, ये शैंडलियर तुम्हारे परिवार से ज्यादा पुराना है। चिंता मत करो सर, मैं इसे ठीक कर दूंगा। चलो यहाँ स्कल्स को रखते हैं। खूबसूरत, ये रहा तुम्हारा शैंडलियर, वैसा ही जैसे पुराना था। वाह डैड, आपको क्या लगता है? अच्छा है, लेकिन मुझे पुराने वाला ज्यादा अच्छा लगता था। मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ? हाँ, बड़े स्कल्स। हाँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। बढ़िया, ड्रिंक पर वापस आते हैं। जल्दी मत करो, हम मिलकर अपने नए शैंडलियर का जश्न मनाते हैं। क्या हमें भी एक मिल सकता है प्लीज? बिल्कुल, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये बस टोमेटो जूस है। मुझे लगा कि ये खून है, तो चलो चीयर करते हैं। मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने यहाँ हाथ मिलाया है। दिखाओ तुम में कितनी जान है। ठीक है सर, चलो फिर। वाह, वो ताकतवर है। हमें तुमसे और ज्यादा उम्मीद थी। ठीक है, बस हो गया, तुम हार गए। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। हे, तो क्यों ना थम फाइट करें? तैयार हो? ठीक है, बदला बदला होता है। मुझे उम्मीद है कि डैड अपनी उंगली ना तोड़ ले। क्या छोटे बच्चे, तुमने इसे नहीं देखा? आप जानते नहीं कि मैं इस खेल में मास्टर हूँ। जीत गया, एक ब्लड बैग, मेरी उंगली। क्लास में ना आना पड़े बस इसलिए जेसिका खाई में गिर गई। चलो देखते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। रूम ट्रिक, ठीक है बस करो। चलो स्पाइडर, हम अपनी बेटी को दिखाएं कि उसका क्रश सिर्फ एक छोटी लड़की है। वो आ रहे हैं, छुप जाओ। अगली क्लास किसकी है? मैथ की। क्या वो उसकी क्लोजेट नहीं है? होमवर्क क्या था? छोड़ो, मेरी मदद करो प्लीज। ये बहुत अजीब है, मैंने इसे फिल्मों में देखा है। पकड़ लिया। आ, 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 लूजर। वाह, और ये सिर्फ मी के लिए है। पता लगाओ कौन हो। गैब्रियल, क्या तुम हो? डैड और साथ में सभी को हेलो। वाह, मेरा नाम मॉली है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हे, मुझे तुम्हारे थूक की जरूरत नहीं है, वो काफी अच्छा है ना? खैर, मुझे नहीं लगता वो अजीब है। प्रोटीन का समय हो गया, फिट रहने का कोई और तरीका नहीं है। हाँ, ये बस बेवकूफ है। नहीं, वो नहीं है, उसके फैंग्स देखो, उन्हें क्या हुआ? एक असली जेंटलमैन को खूबसूरत दिखना चाहिए और यही तरीका है। तुमने देखा, वो उन्हें तेज करता है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, मेरे सामने से हटो। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक फेज है। क्या तुमने कभी ऐसे फैंस देखे हैं? वाह, ये बहुत दिलचस्प है। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ हनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कॉलेज में मिलते हैं। तो वो ये सब कर रही है। ओह, तुम बहुत अच्छे हो। क्या आपके पास कोई और काम नहीं है? और ये न्यूज़पेपर से अपने आप को क्यों छुपा रहे हो? ओह हेलो मॉली, ये सब किस लिए? तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, बस करो। ओह लेडी, क्या आज मौसम अच्छा नहीं है? डैड प्लीज, ये सब बंद करो, मैंने आपको पहचान लिया। सुनो बेटी, तुम और ये लड़का एक साथ नहीं रहेंगे। और ये रहा तीसरा वैम्प, ये बढ़िया है। डैड, मुझे ये पसंद नहीं है। शायद तुम्हारे लिए ये भी ऑप्शन है, ये वॉलरस है। वो हमारे जैसा है, उसके फैंग्स को देखो। आपको समझ क्यों नहीं आती? फैंग्स की बात नहीं है। आ!
क्या मैंने अपना प्रिंट आउट ले लिया? ये भयानक है। मुझे लगता है हमें सभी के साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बेटी मत जाओ, शायद एक वॉलरस इन फैंग्स को देखो। हाँ मुझे ये चैनल पसंद है, ये बहुत बढ़िया है। बेवकूफ लड़के, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? देर तामेर जी स्लाशन, क्या ये किसी तरह का जादू है? एप्रोटिको त्रावो ग्लादी दिस्तो, प्लीज मुझे मत बदलो। तुम जो भी चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। रुको, देखो तुमने उसे डरा दिया। मुझे माफ करो, मैं बस रोमानिया के रिश्तेदारों से बात कर रहा था, वो तुम्हें मिस कर रहे हैं। हे मेरा केस कहाँ गया? फिर से खो गया। मेरा ले लो, अपने पास रखो। क्यों? रुको, मुझे पता है, मुझे लगता है कि वो इसे पसंद करेंगे। देखो वैम्प केस, क्या आपको ये अच्छा लगा डैडी? खैर मैं क्या कह सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है। मैं इसे रख लूंगा। और ये बेहतरीन फैंस, हम एक बहुत अच्छी टीम है। टेबल तैयार है, मैं मेहमानों को इनवाइट कर सकती हूँ। मैं पूरे साल इस दिन का इंतजार कर रही थी। और ये रहा तुम्हारा केक। जाने मन, रुको, तुम कितने साल की हो? मैं गिनती भूल गया। मुझे उम्मीद है कि हम आखिरकार किस कर पाएंगे। क्या ऐसा कभी नहीं होने वाला? चलो देखते हैं कि वो अंदर की कैंडल्स को कैसे बुझाती है। हे, तुम मेरे लिए इसे बुझा सकते हो? चलो कोशिश करते हैं। इन्हें क्या हुआ? अब देखना कैंडल्स। मुझे माफ करना। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। और अब तुम्हें गिफ्ट देने की मेरी बारी है। मुझे देखना है कि उसके पास क्या है। हनी, मुझे एक खुशी है कि हम, क्या वो एक वैम्पायर हंटर है? मुझे इसे चेक करना होगा। हाँ ठीक है, देखते हैं कि क्या मॉली को ऐसा गिफ्ट पसंद आएगा। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। कितना प्यारा है, और ये इतना गर्म क्यों है? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता कि वैम्पायर्स के लिए सिल्वर खतरनाक होता है? ये अच्छा है कि मैं यही हूँ। बेस्ट हैंडमेड गिफ्ट। और जब तुम्हारे पास जादुई हाथ हो तो गिफ्ट और बढ़िया बन जाता है। जैसे कि ये, इसे पहनकर देखो, तुम्हें क्या लगता है? ओह शुक्रिया डैडी, ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। चिंता मत करो जाने मन, तुम्हारा गिफ्ट भी अच्छा है। अगर चाहो तो मैं इसे देख सकती हूँ। हमने साथ में बहुत मजे किए। अपने डैड की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ, उन्हें इसकी आदत नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। ये लो, उस लड़के के लिए ड्रिंक। थोड़ी सी नींद की गोलियाँ डाल देते हैं, शायद वो मेरी बेटी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। और इसकी खुशबू, ओह नहीं, मैंने क्या कर दिया? बचाओ, मैं उस दिन मॉल में थी, अपने लिए कुछ अच्छी चीजें देखी। चलो चलते हैं, मैं कॉफिन में क्यों नहीं हूँ? क्या मैं जमीन पर सो गया? मुझे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये उसका लॉकर है। अब देखते हैं कि अंदर क्या है। मॉली और दिल, बस इतना ही? ओह रुको, उसकी डायरी। दिलचस्प है, अब ये मेरे पास रहेगी। पावर मेरे पास है और तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम पुलिस स्टेशन में बात करेंगे। चोर, यहाँ मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। लंच कब होगा? मैं आपको आजाद कर दूंगा। ओह तुम, क्या तुम मुझे छुड़ाने आए हो? जल्दी करो। ठीक है, एक मिनट, रुको, चाबियाँ टेबल पर रखी है। ये किससे बना है? घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। चाबियों का इस्तेमाल करो, वो टेबल पर है। मुझे लगता है अब ये रॉड टूटने वाली है। हे भगवान, ठीक है, ये रखी चाबियाँ। गैब्रियल, बस इन्हें लो और इस जेल को खोल दो। क्या ये मुश्किल है? मैं इसे कूल तरीके से करना चाहता था। ये अच्छी खुशबू कैसी है? ये नाश्ते का समय है। क्या? नहीं प्लीज, इससे कोई परेशानी नहीं हुई। परिवार में तुम्हारा स्वागत है बेटे। वैम्पायर्स के लिए, ओह देखो वैम्प्स आ गया। इन फैंग से वो एक वॉलरस की तरह दिखता है। तुम्हारी बेटी कैसी है? तुमसे बेहतर। उसके बॉयफ्रेंड के फैंग्स को देखो, हमारे जैसे। फिफ, बड़ी बात है,
ओह, क्या तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो? प्लीज मेरी गर्दन पर काटने की कोशिश मत करना डैड, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से बाहर जाओ। और वो ये रहे, अब तुम मुझे काटोगे। ब्लड डोनेशन सेंटर्स के नाम पर चीयर्स। ओह नहीं, वैम्पायर्स, प्लीज मुझे मत काटो। मेरी गर्दन बहुत नाजुक है और मेरा खून बहुत मीठा है। क्या तुमने उसे देखा? मुझे लगता है कि हमें दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारी वफादार सर्वेंट बनूंगी। बस मुझे काटो, मैं हर किसी को बाइट नहीं करता। तुम्हें स्वादिष्ट नहीं लग रही? अब तुम क्या कहोगे? ठीक है, इसे रोकने का समय आ गया है। चलो चले फ्रांस। नहीं, ओह ये बहुत शर्म की बात है। कुछ नहीं हुआ, क्या मैंने कर दिया? शायद मुझे उल्टा सोना चाहिए। ओह मेरा सर दर्द कर रहा है। और ये बाइट, ये बहुत गहरी है। मुझे यकीन है कि ताजी हवा मुझे खुश कर देगी। आह, जल गया। लाइट बंद करो, मुझे इससे दूर रहना होगा। वाह, मैं एक वैम्पायर में बदल रही हूँ। क्या वैम्पायर पिंक बेड पर सोते हैं? मुझे एक कॉफिन बनाना चाहिए। बढ़िया है, चलो देखते हैं ये कैसा है। पता नहीं मैं इसमें फिट आऊंगी या नहीं। खैर अब सोने का समय है। सेमेट्री कोल्ड, मुझे लगता है कि एक गर्म कंबल सही रहेगा। बस कुछ वर्ड और फिर मैं वैम्पायर क्रॉसवर्ड सॉल्व कर दूंगी। उसका नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। सबसे फेमस वैम्पायर कौन सा है? ड्रैकुरा, ड्रैकुपा। दोस्तों शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप उसका नाम जानते हैं तो अपना जवाब कमेंट में लिखें, ठीक है? मेरे जैसे शानदार वैम्पायर को शानदार दिखना होगा, पर लगता है जैसे मेरी अलमीरा में यूनिकॉर्न रहता हो। सब कुछ कितना कलरफुल है। ट्रूम ट्रैक, हाँ मैं अब सांता की हेल्पर की तरह लग रही हूँ। शायद एक किमोनो। कई या मुझसे बचकर है ना, ये बेहतर है। लेकिन मैं एक स्टाइलिश रॉकर गर्ल का लुक भी ट्राई कर सकती हूँ। वाह, मुझे यही चाहिए था। मेकअप करने का समय है, मुझे मेकअप करके वैम्पायर बनना होगा। चलो आई शेडो ले और अब स्कारलेट लिपस्टिक। रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं हो रहा। हे, मेरी रिफ्लेक्शन कहाँ है? ओह, तो मैंने अपना मेकअप ही क्यों किया? मैं इसे नहीं देख सकती, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं देख सकते। तो अब ठीक है, और इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ शैडोज, बहुत बढ़िया आइडिया है। खैर ये देखो, उम्मीद है मैंने सिर्फ तुम्हारा मेकअप ही नहीं सोल भी दिखाया है। हे, तुम अच्छी लग रही हो। ये ज्वेलरी मेरी खूबसूरती के साथ अच्छी लगेगी। रानी विल हेल्सिंग, आपने मेरे लिए इतना सोचा, शुक्रिया। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? क्या कोई चिकन बना रहा है? हे भगवान, यहाँ आग लग गई है, क्योंकि मैं फायर हूँ। हम मार्शमेलो को बर्बाद नहीं कर सकते, है ना? स्वादिष्ट है, खून तो नहीं है पर ये भी स्वादिष्ट है। ठीक है, बुरा मत मानना ग्रानी। आउच, ये बहुत ज्यादा गर्म है। हाथ से बनी ज्वेलरी हमेशा ट्रेंडी होती है। ये पर्ल नेकलेस हमेशा ट्रेंड में रहता है। ये मेरी पेल स्किन पर अच्छा लगेगा, पर मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं वैम्पायर भी हूँ। मैं कुछ बीट्स को खून का टच दूंगी। डिजाइनर ज्वेलरी और चुप नहीं रही, ये एक सपने जैसा है। ये क्राफ्ट बनाकर और खून देखकर मुझे भूख लग गई है। देखते हैं किचन में क्या बचा है। मुझे एक्सपायरी डेट नहीं दिख रही, इसका मतलब मैं इसे खा सकती हूँ। पास्ता और कॉर्न, अब मैं एक फूड डिजाइनर भी हूँ। सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बिना वैम्पायर का डिनर कैसे बन सकता है? चलो इसे जल्दी से करते हैं, 2 लीटर काफी होगा। ये टोमेटो सॉस सब कुछ स्वादिष्ट बना देती है। गार्लिक मसाले की तरह भी काम करेगा और मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। ये मुझे रुला नहीं सकता। आउच, ये क्या है? टर्माइट्स। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। क्या तुमने मुझे सुना? क्या जलने का दिन है? आज इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है? खैर इसने मेरी सारी कुकिंग खराब कर दी है, पर तुम मेरा डिनर खराब नहीं कर सकते। उन्हें ये सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं?
क्या एक एड? नहीं, और अब मैं क्या करूं? ओह, एड खत्म होने तक ये साफ हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे बहुत जल्दी से कर सकती हूँ। चलो कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि मैं एक्स मैन में क्विक सिल्वर की जगह ले सकती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं उससे भी तेज कर सकती हूँ। या मैं अपनी स्पीड क्लीनिंग शुरू करूँ। हो गया, वापस रूम ट्रिक देखते हैं। चलो आराम से देखें। और सच में एड 7 सेकंड और चलेगी। खून पीना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। रोलन उसकी खूबसूरती से अपनी नजरें नहीं हटा सका। ओह, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ बस एक बार और? सच में शायद तुम्हारे लिए किताब पढ़ना बेहतर रहेगा। तुम ये जानते नहीं कि किसके साथ पंगा ले रहे हो। मैं तुम्हें हरा दूंगी, देखो और सीखो। स्लैम डंक पीछे से। देखो जॉर्डन, ठीक तुम्हारे सामने से। देखो, तुमने फिर से छोड़ दिया आराम से। कितनी शर्म की बात है, एक पड़ाकू ने मुझे हरा दिया। तुमने हार नहीं मानी, तुम हार गए। ब्रेकफास्ट आ गया, ये दो के लिए काफी होगा। फिर मैं इसे ट्राई करूंगी। क्या आपने इसे बाइट किया? देखो, नहीं शुक्रिया। आ, 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 क्या हो रहा है? आ, आ, मैं जा रही हूँ। क्या तुम वैम्पायर हो? हाँ, पर लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे खाऊं। मेरे पास एक आइडिया है, साफ ग्लास से पीना कहीं ज्यादा अच्छा है ना? परफेक्ट, ठीक है, चलो तुम्हें सुंदर बनाए। अब बेहतर है। वाह, तुम मैजिशियन हो। ये मेरा गैजेट है। ओह, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और अब मेन कोर्स। ओह, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सेल्फ सर्विस नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे पास कुछ है। टूथब्रश के बिना मेरे फैंग्स इतने तेज नहीं होते। हमें चारकोल टूथपेस्ट चाहिए। ठीक है, घूमो और अपना मुंह खोलो, ये बेहतर है। हे, मैं अपना जॉब बंद नहीं कर पा रही। चिंता मत करो, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगी। क्या कोई तुम्हारा ध्यान रख रहा है? मैं अल्फा हूँ। तुम अल्फा गंदी हो, वहाँ तो सल्फर की माइन है। मैं भूखी नहीं रहूँगी, लेकिन मैं जहर नहीं खाना चाहती। मुझे तुम्हारे कान साफ करने हैं। मुझे लगता है कि वैक्यूम एयर क्लीनर काम करेगा। बस खिलना मत। एओ, कितना गंदा है। यह अजीब बात है कि मुझे वो सुन पा रही है। ठीक है, चलो देखे कि इसमें कुछ बचा तो नहीं है। ये कान नहीं है, ये पूरा पेंसिल केस है। मैं अब अपने कानों में पेन नहीं डालूंगी। मुझे जाने दो, तुम मुझे मत खाओ। मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम पहले से ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही हो, मेरी स्वीट बन। तुम्हें खाने का इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, मुझे लगता है कि मेलनी भी खा सकती है। रुको, मेरे पास कुछ बेहतर है, इसे मैंने बनाया है। खुद खा लो, मुझे स्नैक्स पसंद है। अच्छी खुशबू है, तुम क्या कहती हो? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे इस सॉस की रेसिपी बता सकती हो? बिल्कुल, मैं और डाल देती हूँ। ओह शुक्रिया, ये बढ़िया है। आहा, इस बार ये बहुत स्वादिष्ट था। मेरा पेट भर गया है, जैसे मैंने अभी दो बार शिकार किया हो। वाओ, शायद एक और टुकड़ा। नहीं, मैं अब और नहीं खा सकती। इतने अच्छे खाने के बाद मुझे सोना चाहिए। हे, लगता है मेहमान कुछ भूल गई है। शायद उसे ये नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि क्या इसमें एडवर्ड ग्लिटर है। बॉक्स खुल क्यों नहीं रहा? मैं इसे नहीं खोल पा रही। मेरे पास आइडिया है, ओइजा बोर्ड बहुत जरूरी है। मुझे पुराने स्कूल की रिचुअल ज्यादा पसंद है। रूम ट्रिक, क्या तुम फिर से? मैनर्स, ओह, ये एक बढ़िया प्रैंक होगा। वैम्पायर्स, रूम ट्रिक, मुझे ब्लड बाथ पसंद है। ऐसा करना बंद करो अभी के अभी। रूम ट्रिक, ओह नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? प्लीज ब्यूटी बॉक्स खोलो। क्या बस इतना ही है, इसलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो? ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए खोलूंगी। खोलो, अब तुम गई। रुक जाओ, कितनी बोरिंग है। वाओ, मैं इसके जैसी बनना चाहती हूँ। पफ, ये आसान है, तुम सही वैम्पायर के साथ हो। चलो वार्डरोब में कुछ बदलते हैं। बिना केप के वैम्पायर एक बिना फिंस के फिश जैसा लगता है। ट्राई करके देखो।
सीधे रहो नहीं तो कॉलर गिर जाएगा। क्या तुम खुश हो? मुझे बफी कहो। शुक्रिया, मैं जाकर मिरर में देखूंगी। आहा, मुझसे डर जाओ। प्लीज ऐसे मत करो, हर किसी के साथ होता है। स्ट्रैप्स को क्या हो रहा है? क्या तुमने इसे किसी बेघर आदमी से चुराया है? गार्लिक, ओप्स, माफ करना। हमें एक नया बैकपैक बनाना होगा, ये बेहतरीन होगा। ब्लैक वेलवेट बढ़िया है। चलो हैंडबैग की आउटलाइन करते हैं। जरूरी है कि इसे टाइट पकड़ो। बहुत बुरा है कि मेरे पास मार्कर वाला कंपास नहीं है। तैयार है, हमने सर्कल काटा। और चलो वही कार्डबोर्ड सर्कल का इस्तेमाल यहाँ करें। अब हम अपने हैंडबैग के हिस्सों को हॉट ग्लू से जोड़ेंगे। एक ठीक है, लेकिन दो बेहतर हैं। क्रोम ट्रिक, ये कितना स्टाइलिश है। इसमें वेम्पायर डेकोरेशन करते हैं। बैग के पीछे की तरफ हॉट ग्लू लगाकर बैग के बीच में ऐसे लगा दें। ओह, हॉर्न्स के साथ ये और भी गॉथिक लगेगा। यंग वेम्पायर के लिए बढ़िया है। मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ गायब है। बिल्कुल, हमें स्ट्रैप चाहिए, लेकिन एक चेन कहीं ज्यादा ब्रूटल होगी। मैं इसे एंटी थेफ्ट सिस्टम कहूंगी। ऐसे बैग से चोरी करने का कोई सोचेगा भी नहीं। हे बेबी, देखो मेरे पास क्या है। यहाँ आओ, अब तुम्हारे पास असली वेम्पायर बैकपैक है। बिल्कुल वेम्पायर इला की तरह। शुक्रिया बेटी, कोई बात नहीं। यहाँ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। बिल्कुल वही जो मैं ढूंढ रही थी। हम किसी भी चीज से वेब बना सकते हैं, लेकिन कॉटन वूल सबसे अच्छा मटेरियल है, खासकर तब जब तुम्हारे पास रोलिंग पिन हो। और ये रही इयररिंग, मुझे लगता है ये तुम पर सूट करेगा। हर कोई जेलस होगा। बढ़िया। ओह नहीं, वो क्या है? क्या तुम ग्लासेस के बारे में बात कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हारे बालों के बारे में बात कर रही हूँ। घोंसले जैसे दिख रहे हैं। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूँगी। तुम क्या कर रही हो? मैंने इसे हटा दिया। ठीक है, ये भी ठीक है। मैं इयररिंग्स देखना चाहती हूँ। मुझे ग्लासेस चाहिए, जरा रुको। इतना बुरा भी नहीं है। तुमने ये क्यों पहना है? ठीक है, इसे अभी उतारो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ये चश्मा लूजर्स के लिए है। तुम वेम्पायर बनना चाहती हो, तुम्हें वेम्पायर जैसा दिखना होगा। चलो देखें कि उसके पास यहाँ क्या है। कितना कचरा है, उन्हें बैन कर देना चाहिए। क्या मैंने कूड़ेदान खोला है? और मुझे क्या करना चाहिए? 3D पेन काम आएगा। चलो भी लड़की, हम दुनिया का सबसे डरावना फ्रेम बनाएंगे। और अब चलो कॉन्टोर से विंग तक पेंट करते हैं। एकदम ब्लैक, पहला पार्ट तैयार है। परफेक्ट। चलो कुछ हॉट ग्लू डालें और इसे फ्रेम से जोड़ दें। हाय, मैं प्रोफेसर फांग हूँ। उनके लिए ये केस छोड़ देते हैं। क्रोम ट्रेड, सुंदर। अब ग्लासेस का अपना बेड है। क्या घर पर कोई है? हाँ, दुनिया को एक अलग तरीके से देखो। ओह, ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वाव, मेरा लिटिल वेम्पायर कौन है? ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या लंच बॉक्स में कुछ है? खाली। ठीक है, मैं इसे देखती हूँ। वाव, तो इसे साफ कौन करेगा? ओह, और ये काम आ सकता है। चलो देखे मॉडल्स की किचन में क्या है। ठीक है, पैन। चलो दिखाते हैं कि यहाँ असली बॉस कौन है। मैं हमेशा से इसे ट्राई करने का इंतजार कर रही थी। इसे गर्म होने दो। एग्स, इससे कुछ स्वादिष्ट बनेगा। मैं एक ट्रांसिल्वेनिया ऑमलेट बनाऊंगी। हम कुछ एग तोड़ेंगे और पिग हमें योग अलग करने में मदद करेगा। देखो ये कितना मजेदार लग रहा है। शुक्रिया पिगी। और जो कुछ बचा है उसे मोल्ड में डाल दो। ये स्वादिष्ट लग रहा है। 2 मिनट और ये तैयार हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है मैं इसे खा सकती हूँ। ठीक है स्कल, मुझे बॉन एपिटीट कहो। स्वादिष्ट। और ये सॉस, ये परफेक्ट है। शेफ के लिए कॉम्प्लीमेंट बुक कहाँ है? हे बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मेरी कुछ बनाने में मदद करोगे? ठीक है, इसे मुझे दे दो। फ्लोर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुमने मेरे मोल्ड्स नहीं देखे। खैर ठीक है, चलो वेम्पायर कुकीज बनाए।
सबसे पहले हमें डो बुनना है। मैं भी ये करना चाहती हूँ, क्या मैं करूँ? अच्छू, मुझे लगता है ये मेरी नाक में चला गया। मुझे माफ कर दो। क्यों? सब कुछ ठीक है, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। मैंने कहा सब कुछ बढ़िया है, मैं एक वैम्पायर की तरह हूँ। ठीक है, इसे मुझे दे दो। बहुत गर्म है, क्या ये सिल्वर है? तुम्हें मुझे वार्न करना चाहिए था और अब मैं जल जाऊंगी। मैम चलो तुम्हारा हाथ देखें। आउच, दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रही हो? मैम मुझे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर मत करो। ठीक है, मैं समझ गई। डरो मत, ये ठीक हो जाएगा। मैं वैम्पी बायोटिक मैक्स प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, अभी पी लो। शुक्रिया, मैं पेलिकन नहीं हूँ, मैं इसे कैसे खाऊं? हो गया। क्या इससे मदद मिली? नहीं, ये अभी भी दर्द कर रहा है, शायद ब्लड का बैग मदद करेगा। पकड़ो। वो ये ज्यादा बेहतर है। परफेक्ट, शुक्रिया डॉक्टर। क्या सिल्वर की कैटलॉग? ये अजीब है लेकिन ये बढ़िया है। और ये भी? ओह, और ये सबसे अच्छा है। कितने का? मुझे कैश देखना पड़ेगा, खाली है। मैंने ये सब कब खर्च कर दिए? ओह चलो भी, एक भी कॉइन नहीं है। रुको, मैं खुद भी वैसा ही बना सकती हूँ। एक किचन रिंग और एक बॉटल, मुझे लगता है ये काफी है। नई ज्वेलरी स्टार के लिए जगह बनाओ। सबसे पहले हमें बेस और डेकोरेशन को जोड़ना है। चलो इसे ग्लू गन से करते हैं। इसे अच्छे से करें। अब हम ब्लैक हॉट ग्लू से पूरी रिंग पर एक ब्रेड बनाएंगे। ये डार्क टेंटिकल्स की तरह है। ग्लू के सूखने से पहले राइनस्टोन्स लगाएं। शानदार, हम बॉटल खाली नहीं छोड़ सकते। हेलो ट्रूम ट्रिक डिलीवरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ट्रूम ट्रिक डिलीवरी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरा गला पहले से ही सूख रहा है। बढ़िया हार्वेस्ट है, मैं कुछ अपने ले रखूंगी। मुझे लगता है इतना काफी है। मैं रिंग के बारे में भूल ही गई। अब ये सच में वैम्पायर है। बस खो मत जाना। बहुत बढ़िया। ओह क्या वो अभी भी यहीं है? और यहाँ रुकने के लिए शुक्रिया। बाय बाय बेबी, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्राई करके देखो, तुम्हें पसंद आएगा। वाओ, वो क्या है? जली, तुम्हें ये इयररिंग्स कहाँ से मिले? बेबी क्या सब ठीक है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है। ओह शुक्रिया। वो क्या है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं किचन के बारे में बात कर रही हूँ। ये तुमने क्या किया? तो क्या तुम्हें मेरी कुकीज पसंद आई? ओह मैंने सोचा कि इसे खा नहीं सकते। चलो चले, चलो बेहतर होगा कि ट्रूम ट्रिक देखे। इसे मैं अपने आप को दूंगी। और तुम चैनल ढूंढो। उम्मीद है मैं लेट नहीं हूँ। क्या तुम अजीब क्यों लग रही हो? पिछली बार तुम बिल्कुल अलग लग रही थी। बेटी ने मेरी मदद की, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा तुम्हें वैम्पायर कैसे बनाया? वैसे मैं अब उसकी लीगल बेटी हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। चलो भी, इसे मुझे दो, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को खा जाऊंगी। ये ठीक है? तुम्हें खुद को देखना चाहिए था। हे लड़की कहाँ है? उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और भाग गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई और अच्छा बच्चा ढूंढूंगी। ये मजाक नहीं है। मुझे पता है, मेरी बेटी को शानदार आउटफिट चाहिए। लगता है अब सिलाई करने का समय आ गया है। ये बहुत अच्छा है, अब सिलाई करते हैं। उम्मीद है कि मैं सिलाई भूल ना गई हूँ। मैं कटिंग तो आंख बंद करके कर सकती हूँ। एक और लाइन और ये तैयार है। क्या तुम ये नया क्लॉक पहनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी हुई। पर अपने केप को टिकाए रखने के लिए हमें एक ब्रोच बनाना होगा। स्केच बनाने से शुरुआत करते हैं। लगता है पर्स के साथ बैट अच्छा दिखेगा। ध्यान से आउटलाइन को काट लेते हैं। हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है। स्टेंसिल तैयार है, अब हम मटेरियल्स की तरफ जा सकते हैं। स्टेंसिल को ट्रेस करें। बढ़िया ट्रूम ट्रिक, ये मैरी और मिलाना है। हम बैट्स को सिलकर उन्हें जोड़ देंगे। वाओ खूबसूरत है।
आंखें और फैंग्स तो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, इनके बिना हम क्या ही करेंगे। अब हमें हॉट ग्लू से पिन लगानी है। मैरी, मुबारक हो, तुम्हारा आउटफिट तैयार है। शुक्रिया मॉम। वेलकम डियर। अपना पर्स ले जाना मत भूलना, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तुम्हारा दिन अच्छा हो, बाय। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या वापस आ गई? मैं अपने वैम्पायर टेस्ट में फेल हो गई। मैंने सब कुछ लिखा था, पर टीचर ने कहा कि लिंकन वैम्पायर्स का शिकार नहीं करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसानों को कैसे डराते हैं। सलाइवा मत फेंको बेटा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। प्लीज रुक जाइए, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, है ना? आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने परेशान तो नहीं किया? समझ गई। रार। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ। इस चीख से मेरे बाल खराब हो गए, मुझे इसे ठीक करना होगा। रुकिए, ये आप कैसे कर रही हैं? आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। चलो तुम्हें भी एक सुंदर सा हेयर स्टाइल देते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इस गैजेट से हेयर रिबन्स बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ। इस डिवाइस को खोलो और इसमें ऐसे सैटन रिबन डाल दो। जितना अच्छे से रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। इस टीथ से ऐसे बंद करना है। देखो, वैम्पायर्स ऐसे अपने ब्रेड्स बनाते हैं। अच्छा है ना? ट्रूम ट्रिक। एक से भले दो रिबन्स। लगता है ये तुम पर जचेगा। वाओ, ये लाजवाब है। और कोई ब्यूटी हैक्स है क्या? जरूर। इसे देखो गर्ल्स, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे छोटे स्पाइडर से मिलो। मैंने वादा किया था कि इसे आपसे मिलवाऊंगी। ये जाल भी बुन सकता है। शानदार है, उसने बस अभी खाना खाया है। वाओ वाओ, मिलाना, हम समझ गए। बंद करो, आप लोगों को अपना चेहरा देखना चाहिए था। और स्पाइडर वेब को देखे। खैर, अब इन्हें साफ कौन करेगा? उप्स, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। खैर ठीक है। मैरी, ये रहा एक और ब्यूटी हैक, मकड़ी के जाले का मास्क। चिपचिपा है, इसे एब्जॉर्ब होने दो। ये पेलनेस के लिए है। क्या मैं विम्पार जैसी दिख रही हूँ? वैसे हम इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं। रेड लिपस्टिक, कुछ बेहतर। ओह, ये अच्छे से बाउंस हो रहा है। व्हाइट ट्यूल। क्रोम ट्रिक, इस कलर को देखो। मुझे पता है ये तुम्हारे नए लुक को पूरा करेगा। मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझसे डरो। बढ़िया, तुम पहले से अच्छा कर रही हो। देखा मेरा कमाल? मेरी बेटी कैसी है? मुझे अपने पंजों को नुकीला बनाना है जैसे वैम्पायर्स के होते हैं, पर ये काम नहीं कर रहा। ओह, उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये एक वैम्पायर नेल प्रिंटर है, मैनिक्योर की दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है। हम क्लॉज के लिए प्लेट पर एक पैटर्न बनाएंगे। अब एक्टिव मोड चलाते हैं। डरो मत, यहाँ अपनी उंगली रखो। अब बटन को कुछ सेकंड के लिए दबा कर रखो। वाओ, ये तो शानदार है। मुझे नहीं पता था ये इतना आसान होगा। हे दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरा बदलाव पसंद आया या पुरानी मैरी ही बेहतर थी? अपने जवाब हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। मिलाना, उन्हें मुझसे क्या चाहिए? वो बस मुझे तंग करती रहती है। मिलाना, मुझे पता है तुम यही हो। ये और कितनी देर तक चलेगा? इस शोर की वजह से मैं गाना भी नहीं सुन पा रही। अब ठीक है, अब डांस का वक्त है। क्या, मैं अपना बर्थडे कैसे भूल गई? वो आज ही है। तो मॉम मुझे परेशान करने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्रेजेंट देने के लिए बुला रही है। ठीक है, मुझे तैयार होना चाहिए। आखिरकार मैं बर्थडे गर्ल हूँ। मुझे पता है, मैं पीलिंग से शुरू करती हूँ। सेलिब्रेशन तो वैसे भी काफी अच्छी होगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओह, अब धोने का वक्त है। मुझे लगता है मैं 100 साल यंग हो गई हूँ। मुझे अपने नेल्स के लिए भी कुछ करना होगा। अब लेटेस्ट नेल प्रिंटर को ट्राई करने का वक्त है। बढ़िया। मिलाना, अगर तुम अभी भी नहीं खोलोगी तो मैं तुम्हारा कॉफिन लिड तोड़ दूंगी। अब बाहर चलना चाहिए। बाहर आओ। मैं आ गई मॉम। मेरे पीछे आओ। ओह नहीं, वो अभी अच्छे मूड में नहीं है। रुको, क्या? मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी, 987 साल की हो गई। जिंदगी में एक बार ही होता है, आपको याद था? क्या बात है। हुर्रे। शुक्रिया, मेरी फैमिली बेस्ट है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे पता है तुम इसे कितना पसंद करती हो, तो ये तुम्हारे लिए है। ये सच में मेरे लिए है। ओह मैरी, हैप्पी बर्थडे डियर। क्या तुम केक काटना चाहोगी? मैरी, काउच पर चलते हैं।
ठीक है, और क्या बचा है? क्या हम छुपन छुपाई खेल सकते हैं? ओह, टेडी को भी ये खेलना पसंद है। 3, 2, 1, तैयार हो या ना हो, मैं आ रही हूँ। क्या वो इतनी जल्दी छुप गई? ध्यान से बेबी, वहाँ से वापस आओ, मेरे पास आओ। ठीक है, अक्सर मैं ही ढूंढती हूँ। चलो कुछ अलग करते हैं। इस गेम को आइडेंटिकेट कहते हैं। वाओ, चलो खेलते हैं। पहले हमें इसे टेबल पर रखना है। अपने हाथों को निकाल कर फेस को कलेक्ट करना है। बस देखना मत, वरना गेम का कोई मतलब नहीं होगा। ओह, उम्मीद है कि इससे मेरे नेल खराब नहीं होंगे। लगता है मेरा हो गया। इन मजेदार चेहरों को तो देखो, अपना वाला भी देखो। तो क्या हुआ, दोबारा खेलते हैं। क्या तुम तैयार हो? चलो। सोच रही हूँ इस बार क्या होगा। क्या तुमने कर लिया? क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। ठीक है, क्या ये हमारी लिस्ट में है? ओह हाँ, अगला पॉइंट है सोना। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि वैम्पायर की तरह कैसे सोते हैं। अपनी आंखें बंद करो और हाथों को ऐसे क्रॉस करके रखो। और कितनी देर? मैं ऐसे नहीं सो सकती। ओह, तुम जाग गई। ठीक है, शायद तुम्हारे लिए लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। अगर काउच पर कोई दाग आया तो मॉम तुम्हारी पिटाई करेंगी। गहरी सांस। लगता है वो ये बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। मैं नहीं सो पा रही, मुझे सोचने दो। हाँ, मेरे साथ आओ। ये रहा बेडरूम। क्या तुमने कभी कॉफिन में सोने के बारे में सुना है? ट्राई करके देखो। क्या मुझे ऐसे ही खड़े रहना होगा? इससे ढक लो, यहाँ एटिक में हवा लगती है। आखिरकार वो सो गई। हे, बस शांत रहना और मैं इस लिस्ट को चेक करती हूँ। बढ़िया, अब मैं इसे क्रॉस कर सकती हूँ। पर अगला क्या है? अपार्टमेंट की सफाई। लगता है ये किसी ने कभी नहीं किया। एओ, कितना गंदा है। और तुम, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना है? अच्छा हुआ तुमने पूछा। ये सब साफ करो। जरूर मेरी मिस्ट्रेस, आप जो चाहे। हो गया, मैंने इन्हें उठा लिया है। वाओ, क्या तुम्हें भी छुटकारा मिल सकता है? हाँ मिस्ट्रेस, अच्छी लड़की थी, शुक्रिया, बाय। अगला पॉइंट हो गया। अब क्या बचा है? उसे स्कूल के लिए तैयार करना है। जैसा लग रहा है ये उससे आसान होगा। पहले हमें बैकपैक को पैक करना है। वाओ, मेरा कॉफिन भी इससे हल्का है। वो इसमें क्या ले जाती है? चलो भी बंद हो जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। कितना बुरा है। ठीक है, किताबें हटाने से इसका वेट कम हो जाएगा। ये क्या है? एक बाइबल। मुझे मारना चाहती हो क्या? अब ये कोई बैकपैक नहीं। फिर वो ये गंदी किताबें कैसे उठा कर ले जाएगी? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने सोचा था मैं इसे फिर कभी नहीं खोलूंगी। चलो देखें, एक कुल्हाड़ी। पर स्टेक्स कहाँ है? आहा, मिल गए। वो मुझे हमेशा से भेजते हैं, पर मैंने अपना मन बना लिया है। मैं इसका बढ़िया इस्तेमाल करूँगी। रूम ट्रिक, परफेक्ट। अब वो स्कूल में कुछ बढ़िया ले जा पाएगी। ओह, ये कितना अच्छा है। ठीक है, किताबों। 1, 2, 3। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? क्या वो अपने साथ माइस ले जाती है? खुद सोचो वैम, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। अरे हाँ, ठीक है, चलो यहाँ से आ जाओ। रुक जाओ, क्या ये वार्डरोब है या फिर बुरे कपड़ों की कलेक्शन? ये वाली तो बहुत बुरी है और इससे हमारा काम बन सकता है। शानदार ड्रेस है, हमें बस इस पर थोड़ा काम करना होगा। यहाँ थोड़ा, यहाँ और यहाँ। अब बैकपैक की जरूरत किसे है? हाँ दोस्तों, पकड़ लिया। भागो मत, ऐसी चीजों को मिलान एग्जीबिशन में जगह मिलनी चाहिए। हैशटैग हाई फैशन। ठीक है, ये क्या है? वाओ, प्यारा सा ट्रेजर बॉक्स। इसके अंदर क्या है? ठीक है, ये सीधा कूड़े में जाएगा। पर्ल? नहीं, ये सिर्फ प्लास्टिक है। और शायद यहाँ कुछ और भी है। एक क्रॉस, शायद वो वैन हेल्सिंग है। हाँ, मुझे स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ खाना चाहिए। ट्रूम ट्रिक डिलीवरी। हाय, ये रही डिलीवरी, आपका पिज्जा। अच्छी खुशबू है। सेकंड पॉजिटिव। क्या ये किसी तरह का मजाक है? ठीक है। हाँ, एक सेकंड दो। ताजा खून, हार्वेस्ट 2001। ठीक है, हमने इस गर्म खून को ठंडा कर दिया। मैंने काफी दिल तोड़े हैं और मुझे पता है कि मैं इससे भी निपट लूंगी।
मैं हमेशा ज्वेलर बनने का सपना देखा करती थी। ये लो, आखिरकार लड़की के पास कम से कम ज्वेलरी का एक नॉर्मल पीस तो होगा। लगता है अब मैं आराम से एक ग्लास खून पी सकती हूँ। यहाँ कोई भी नहीं है। प्लास्टिक जैसा टेस्ट है। ये खून 3D पेन के लिए है। लगता है मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले एक ड्रॉइंग बनाते हैं। कितना प्यारा बैट है, अब इसकी जरूरत नहीं है। खून ट्रिक, वाव, इसे मैं पहनूंगी। वैम्पायर शीक, ये कैसी बेकार आवाज है। आउच, ढूंढ लिया। बेवकूफ अलार्म क्लॉक, बंद हो जाओ। मैं लड़की के बारे में बिल्कुल भूल गई थी। अब बेबी को जगाने का वक्त है। सीढ़ियों से मेरे पैरों में दर्द होता है। ऐसे ऊपर की तरफ चलना आसान है। हनी, क्या तुम अभी भी सो रही हो? गुड नाइट, अब उठने का वक्त है। क्या, पर मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। चलो भी, आलसी मत बनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे पीछे आओ। ठीक है, ध्यान से। डैबी, नहीं, क्या तुम ठीक हो? मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है। क्या दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो उठो। कैसा लग रहा है, कुछ तो बताओ। लगता है मेरे फैंस गिर गए हैं। मैं टूथ फेरी तो नहीं हूँ, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे साथ आओ। कहाँ गए? मिल गए। कौन से हाथ में है बताओ? राइट वाले में। टडा, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। बढ़िया है, मुझे पसंद आया। अगर तुमने लेफ्ट वाला कहा होता तो तुम्हें ये मिलता। वाओ, शुक्रिया वैम्पी। अगर मैं अपना सर हिलाती हूँ तो ये उड़ने लगते हैं। वो ऐसे भी करते हैं। सही कहा, ऐसे नहीं। तुम्हारे नेल्स को क्या हुआ है? ये वैम्पायर स्टाइल नहीं है। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। ब्लैक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मेरा पसंदीदा कलर है। सच में बढ़िया। और डैबी कहाँ है? ये क्या हुआ, मैंने सब फैला दिया। तुम्हें मेरे नेल्स पसंद आए? मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, मुझे इसे साफ करने दो और आप कुछ अलग ट्राई करते हैं। क्लिक, वाओ, बहुत सुंदर है। पर सभी उंगलियों में ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हे दोस्तों, आप लोगों को क्या मैं पहले अच्छी लगती थी या मेकओवर के बाद अच्छी लगती हूँ? कमेंट्स में लिखकर बताएं। वैम्प, कुछ कहो। हे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो हम आपको काटेंगे। एक डोनट, एओ, ब्लड नहीं है। डैबी, तुम्हारे वैम्पायर पावर को टेस्ट करने का वक्त है। ये लो, लगता है आधा टन काफी रहेगा। ओह, ये आसान है। मैं इसके साथ डांस भी कर सकती हूँ। नहीं, वेट एक बुरा पार्टनर है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बैट में कैसे बदलते हैं। ट्रूम ट्रिक, तुमने ये कैसे किया? मुझे भी करना है। आसान है, बस कोशिश करो। ठीक है, ट्रूम ट्रिक। वाओ, तुम कहाँ जा रही हो? आउच, चोट लग गई। ठीक है, इसे छूना मत वरना और दर्द होगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हमारे दोस्त के बारे में याद है? इसे नाक पर ऐसे लगा देते हैं। अब तुम ई वैम्पायर हो। इसमें मैं बिल्कुल बेवकूफ लग रही हूँ। वाओ, मैं इनविजिबल हूँ। शुक्रिया वैम्प, ये अजीब है। सभी को हेलो, मैं घर आ गई। तुम कैसे हो? हाय मॉम, हम वैम्पायर हैं। ओह, मैं पकड़ रही हूँ। मॉम, आप बैठ जाओ या लेट जाओ, ये और भी बेहतर है। चिंता मत करो, ये सबके साथ होता है, यहाँ तक कि आपके साथ भी होगा। हे वैम्प, रुको, उन्हें मत काटो। ठीक है, ठीक है, मैंने बस उनके चेहरे से बाल हटाए हैं। देखा, मेरी मॉम को छूने की हिम्मत भी मत करना। ठीक है, मैं नहीं छूऊंगी। मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है, तुमने ऐसा कैसे होने दिया? तुम नानी हो। हश, शांत हो जाओ, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। अंधेरे की ताकत, डैबी के लुक, उसे वापस दो। क्या अब आप खुश हो? मैं खुश नहीं हूँ। बेबी गर्ल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब ठीक हो। देखो मैंने क्या खरीदा, ये बार्बी और लेडी बग है। ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? ठीक है, यहाँ क्या नया है? ये लोड नहीं हो रहा। और तुम्हारा क्या वैम्पायर्स? वाह, एक पार्टी, मुझे जाना होगा। शायद मुझे वैम्पायर क्वीन बनकर सबको हैरान कर देना चाहिए, पर मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक आम लड़की हूँ। क्यों? ठीक है, क्या ये पार्टी की लाइन है? इधर आओ, डरो मत। कैसे हो इंसानों? क्या ये वैम्परेला है? चलो भी।
और मेरे पास एक टिकट है, क्या तुम बाइट करोगी? मुझे इसकी जरूरत नहीं। वैम्प्रेला का ऑटोग्राफ, शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी हो। ये बहुत गलत है, मुझे लगा था ये अच्छी जगह है, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। चलो क्यूटी, ये क्या है? मैं मिया हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। रार, वैम्पायर्स। गर्ल्स देखो, ये हमारे साथ आना चाहती है। तुम्हारे बैट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। रुको डियर, रो मत। शुक्रिया। तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ? गंदा ब्लड ड्रॉप, देखो यहाँ नहीं। आउच, ध्यान से उड़ो। ओह, तुम बहुत क्यूट हो, तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? हाँ, सच में? हाँ, मैं उसे ही देख रही हूँ। शुक्रिया प्यारे बैट। अब मुझे पता है कि क्या करना है, काश उन्हें मैं ना दिखूं। मुझे लगता है मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मिल गया, वाह, ये पूरा प्लान है। तुम मेरे साथ आना चाहोगे? चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, हम घर आ गए, चलो मेकओवर शुरू करें। लेकिन प्लान में बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैं सबसे आसान से शुरू करूंगी। चलो पैंट्स ट्राई करते हैं, क्या तुम तैयार हो? टीथ, ये नहीं चलेगा। चलो देखें मेरे पास क्या है, एक फाइल। हाँ, ये नए पैंट्स पार्टी के लिए सही रहेंगे। ये कैसे हुआ? मुझे अपने दांत रोज साफ नहीं करने चाहिए थे, मुझे किसी प्रोफेशनल से मिलना होगा। हाय, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। वाह, यहाँ वैम्पायर्स का इलाज भी होता है। मिस्टर बीस्ट, वो यहाँ क्यों है? क्या ये भी वैम्पायर है? किसी को बताना मत, पर हाँ, तुम मजाक कर रही हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है डेंटिस्ट सच कह रही है? कमेंट करें। प्लीज चेयर पर बैठ जाओ, आराम से बैठो, हम अभी शुरू करते हैं। अपना मुंह जितना हो सके उतना खोलो। ये क्या है? बहुत बुरा है, हम इसे अभी हटा देंगे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? मिस्टर बीस्ट ने हमें एक वाटर फ्लॉसर दिया, प्लीज इसे हटाओ। हाँ, अपना मुंह खोलो, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़िया, चलो व्हाइटनिंग करते हैं। और अब मिया, जिस चीज का तुम इंतजार कर रही थी, तुम्हारे वैम्पायर फैंस। क्या ये सच में मेरे है? डॉक्टर प्लीज, बस एक मिनट। बधाई हो, अपने फैंस के मजे लो, अब तुम्हें पैसे देने होंगे, बस करो। ओह, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ करना। ओह चलो, आपको मेरे दांत कैसे लगे?